Hi Gurudev, good morning students. In our previous video, we learn about all types of nutrition. In this video, we learn about malnutrition and deficiency disease. In our previous video, we learn about all the five nutritions and importance of water, about balanced diet, okay, benefit of balanced diet, and what's happen if we do not eat healthy. ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया है. Now our today's topic is malnutrition and deficiency disease. What is the meaning of malnutrition? Malnutrition can be defined as the insufficient, excessive or imbalanced consumption of nutrition. ठीक है, malnutrition किसे बोलते हैं? या तो जो nutrition है वो इनसफिशियंट यानी कि प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं हम, या तो एक्सेसिव या तो ज़्यादा लेते हैं, या तो जो हम कंजप्शन करते हैं न्यूट्रिशन का वो इम्बेलेंस होता है यानी कि प्रॉपर नहीं होता है, कोई ज़्यादा होता है तो कोई कम होता है. ठीक है, सो दिस वन इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन रिलेटेड टू हेल्थ इश्यू एंड इंक्रीजिंग इन रिसेंट टाइम बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉवर्टी, फूड शॉर्टेज एंड हाई कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड. मल न्यूट्रिशन है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? हेल्थ इश्यूज है. आजकल बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉवर्टी. पॉवर्टी यानी कि लोगों के पास पूरा पैसा नहीं होता है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी. सो दे कांट गेट इनफ फूड. वो या तो उन लोगों को पूरा फूड नहीं मिलता है, फूड मिलता है तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं कि भाई जिस चीज़ में ज़्यादा न्यूट्रिशन है उसके बदले कम न्यूट्रिशन वाली चीज़ों से चलाना पड़ता है. ठीक है, सो पॉवर्टी की वजह से मल न्यूट्रिशन आजकल प्रॉब्लम हो रही है मल न्यूट्रिशन की. देन फूड शॉर्टेज, कई जगह पर कुछ टाइप के फूड्स मिलते ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मिलते तो बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं. देन हाई कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड. बहुत सारा हम ज़्यादातर हेल्दी के बदले अनहेल्दी फूड खा लेते हैं, बहुत सारा. ठीक है, सो बेसिकली दिस थ्री आर द रीज़न ऑफ माल न्यूट्रिशन. ठीक है, सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय मल न्यूट्रिशन. और मल न्यूट्रिशन की वजह से डिजीज़ होते हैं, जिसमें से कुछ डिजीज़ हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ मैरास्मस. ठीक है, मैरास्मस इज़ अ डिजीज़ दैट रिजल्ट फ्रॉम सीवियर डिफिशियंसी ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी से हमें मैरास्मस करके डिजीज़ होता है. और उस डिजीज़ में क्या होता है? द कंडीशन रिजल्ट इन एन ओवरऑल एनर्जी डिफिशियंसी वेर इन इंडिविजुअल बिकम वीक एंड द बॉडी वेट गोज लोअर देन 80% ऑफ नॉर्मल रिक्वायर्ड वेट. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है? हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं होता है, हमें वीकनेस फील होती है. जिसे भी पेशेंट को वीकनेस फील होती है, ठीक है, जिसे भी मैरास्मस हो वो, एंड बॉडी का वेट क्या होता है? एकदम से डाउन होने लगता है. और जो हमारा एक वेट का हमारा एक लेवल है, उस लेवल से भी हमारा वेट बहुत डाउन हो जाता है. ठीक है, अकॉर्डिंग एक वेट का है ना, हमारा लेवल है कि सपोज़ जिसकी हाइट 5 फीट है तो उसका वेट कितना होना चाहिए? मोस्टली 50, बट एग्जैक्ट तो मेंटेन नहीं कर सकते. सो 1 or 2 kg अप डाउन होता है. ठीक है, बट वो लेवल भी मेंटेन नहीं होता. सपोज़ किसी इंसान की 5 फीट हाइट है, ठीक है, तो उसका वेट क्या होना चाहिए? 50 kg हम गिनते हैं. ठीक है, सो वो कितना हो जाता है? 35-40 उतना डाउन चला जाता है. दैट वन इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ. ठीक है, सो हमारे वेट का भी एक लेवल होता है जो हमें मेंटेन करना होता है. देन नेक्स्ट वन कोशियो स्कोर. कोशियो स्कोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूट प्रोटीन मल न्यूट्रिशन डिजीज इन द वर्ल्ड. In the sign of this disease include a swollen abdomen, an enlarged liver, thinning hair which is normally coarses in structure and loss of teeth. कोशियो स्कोर है वो प्रोटीन की वजह से होने वाला, प्रोटीन के
डिफिशियंसी से, कमी से होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। और इसकी साइन क्या है? फर्स्ट सिंबल है स्वॉलन एब्डोमेन, स्वॉलन यानी कि सूजना, स्वेलिंग, सूजन चढ़ गई, डॉक्टर बोलते हैं ना स्वेलिंग छे, स्वेलिंग मीन्स सोजो चढ़ो, सूजन, ठीक है। स्वॉलन एब्डोमेन, स्टमक, पेट हमारा, एब्डोमेन, वो उस पर स्वेलिंग हो जाना। एंड एनलार्ज लीवर, लीवर है वो हमारा इनर ऑर्गन है, इसलिए हम बाहर से नहीं देख सकते, बट जब भी डॉक्टर सारी प्रोसेस करते हैं ना, आपने सुना है ना, एंडोस्कोपी, देन एक्सरे, देन सीटी स्कैन, ऑल दिस, तो ये जो सारी डॉक्टर बोलते हैं ना, वो सारे चेकअप्स करवाते हैं ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि लीवर एनलार्ज हो गया है, ठीक है। एनलार्ज यानी थोड़ा बड़ा हो जाना साइज से, ठीक है। एंड देट वन इज़ क्रिएट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देन थिनिंग हेयर, हेयर पतले हो जाना, ठीक है। एंड विच इज़ नॉर्मली कोर्स इन स्ट्रक्चर, अब हेयर का जो टेक्स्चर है वो भी पूरा चेंज हो जाता है, रफ हो जाते हैं बाल, ठीक है। इज दैट क्लियर। एंड लॉस ऑफ टीथ, और कई बार तो कई लोगों के टीथ भी लॉस हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय मल न्यूट्रिशन। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर एनीमिया इज डाइट दैट इज डिफिशियंसी इन आयरन एंड विटामिन B12, ठीक है। एनीमिया है वो बहुत कॉमन डिजीज़ हो गया है आजकल, ठीक है। और वो क्यों होता है? मल न्यूट्रिशन की वजह से। अब इसका मेन रीज़न क्या है? हमारे डाइट में हमें ना प्रॉपर अमाउंट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मेंटेन नहीं करते, और हमारे डाइट में आयरन और B12 की डिफिशियंसी होती है ना, उस वक्त हमें एनीमिया होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा B12 घटी क्यों चेन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ, हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो डाउन, रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो डाउन, ठीक है। सो रीज़न ऑफ एनीमिया। और उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? टायर्डनेस, थक जाना, पेल स्किन, स्किन डल हो जाना, ठीक है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारे जो नॉर्मल ब्रीथ है ना वैसे नहीं रहते, हमारे ब्रीथ शॉर्ट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब आप लोग ट्राई करना शॉर्ट ब्रीथ कैसे होते हैं, ज़्यादा ट्राई मत करना, इट्स हार्मफुल। इज दैट क्लियर। नाउ लास्ट वन इज़ गोइटर। गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एंड दिस लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड विच इज़ विजिबल इज अ लार्ज स्वेलिंग इन द नेक। Sometimes the swelling in neck may be so larger that it may cause difficulty in breathing and speaking. ठीक है। अब goiter क्यों होता है? Due to deficiency of iodine. Iodine की deficiency की वजह से। आप लोग ऐड देखते हो ना, अब टीवी तो सब देखते हो, उसमें salt की ऐड आती है, ठीक है, आयोडाइज salt, आयोडीन वाला नमक, ठीक है। अब याद करना और अगली बार ध्यान से देखना। इज दैट क्लियर कि कौन कौन से सोल्ट में आयोडीन होते हैं, ठीक है। अब हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट में हम आयोडीन नहीं लेते ना, तो हमें क्या होता है? गोइटर होता है। और गोइटर कैसे होता है? गोइटर है ना, वो एक बीमारी का नाम है, और जिसमें क्या होता है, हमारे थायरॉयड है ना, हमारा जो ग्लैंड है गले में, आप लोगों ने थायरॉयड के बारे में भी सुना होगा, सो थायरॉयड पर स्वेलिंग हो जाती है एंड विच इज़ विजिबल, अब वो दिखाई भी देती है जब बहुत सारा स्वेलिंग हो जाता है, एकदम से नहीं बोलते कि बहुत सूजन आना, बहुत सूजी जाए, एट दैट टाइम वी कैन सी द थायरॉयड इफेक्ट ऑफ गोइटर, ठीक है। उस वक्त हम गोइटर की इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। थायरॉयड है वो इनर ऑर्गन है, हम ऐसे ही नहीं देख सकते, बट उसकी इफेक्ट क्या आती है, हमारा जो पूरा नेक है ना उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। सो हम बाहर की सूजन देख सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब डरना मत, हर बार ये सूजन होती है ना, वो थायरॉयड की ग्लैंड की वजह से नहीं होती, गोइटर की वजह से नहीं होती, ठीक है। इज दैट क्लियर। बट बी केयरफुल, ठीक है। और कई बार तो ये स्वेलिंग इतनी होती है कि
हम लोगों को यानी कि जैसे भी गोइटर होता है ना, वो उसे ब्रीथिंग में और स्पीकिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। नाउ विटामिन डिफिशियंसी इज़ ऑल्सो कॉमनली सीन इन मैनी मल न्यूट्रिशन डिजीज सच एज स्कॉर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स एंड सो ऑन। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ फूड डिजीज डिटेल में पढ़े, अदर देन दिस मैनी अदर डिजीज दैट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो डिफिशियंस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब नाइट ब्लाइंडनेस जिसे होती है ना, उसे दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अदर देन दिस रिकेट एंड स्कर्वीज आर ऑल्सो देयर। ये इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज हैं जो हमें मल न्यूट्रिशन की वजह से या और डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया सबकी समझ में? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।